కొంచెం మైక్ అండి హ లిటిల్ సో ఫీల్ అది అప్సర అని లిటిల్ క్లోజ్ మైక్ ని లిటిల్ సో आरजीबी सर के साथ मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर बट डेंजरस कतरा लिटिल डिफरेंट कैरेक्टर बिकॉज अ लेस्बियन कैरेक्टर बिकॉज एनी हीरो आई मीन लव स्टोरी बहुत इजी होता है परफॉर्म करने के लिए बट एक गर्ल्स के साथ रोमांस करना लिटिल थोड़ा टफ जॉब है बिकॉज रोमांटिक सीन होल फिल्म टू मच टेंशन एक्चुअली सो स्टार्टिंग लिटिल अनकम्फर्टेबल था बट मेरे फ्रेंड्स फैमिलीज सपोर्ट के वजह से मैंने थोड़ा सोचा कि या आई थिंक मैं कर सकती हूँ सो उसके बाद मुझे ऐसा लगा एज अ एक्टर कि हीरो हो या हीरोइन मुझे परफॉर्म करना है सो एज अ एक्टर मैंने अपने ऊपर रिसर्च किया कि मैं विलेज कैरेक्टर करती हूँ मैं स्पोर्ट्स कैरेक्टर कर सकती हूँ मैं लव स्टोरी तो क्यों ना मैं एक बार लेस्बियन कैरेक्टर प्ले करूँ क्योंकि हीरो के जगह हीरोइन है हीरो को किस कर सकते तो हीरोइन की नहीं हाँ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था बट अप्सर और मैं फ्रेंड्स हैं पहले से ही स्टार्टिंग सो थोड़ा सा मतलब कुछ टेंशन था बट फिर कंफर्टेबल हो गया तो डेंजरस मेरी लाइफ का एक ऐसा सब्जेक्ट है शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी क्योंकि मैंने गर्ल को किस किया है गर्ल के साथ रोमांस किया है एक्शन किया है फुल फेम मैंने किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे 2022 में बहुत सारे वेब सीरीज आ चुका है बहुत सारे ऐसे स्टोरी आ चुका है सो मुझे लगता है कि एज अ ऑडियंस सबको या जो वो लोग चाहते कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर देखे या ऐसे सब्जेक्ट देखे अगर हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे सो आई थिंक लोगों का माइंड चेंज नहीं होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी लेस्बियन होमो या गे को थोड़ा डिफरेंट नज़र से देखता है पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे या नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखेंगे तो उनको भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है वो भी हमारे तरह पब्लिक के बीच में नहीं रह सकते सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग लेस्बियन को सपोर्ट करो एंड डेंजरस ऐसे सब्जेक्ट आई थिंक ऑडियंस लाइक करता है तब जाके हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं आगे भी ऐसे सब्जेक्ट में कर सकते हैं और ऐसे सब्जेक्ट सिर्फ आरजीबी सर ही पॉसिबल बिकॉज वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उनको डर नहीं है और ऐसे सब्जेक्ट में सिर्फ सर ही काम कर सकते हैं थैंक यू नयना थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक ना अंटे मामूल का तल्ली